एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और गाइस अभी 12 बजने वाले हैं दोपहर के, और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं वही काम कर रही थी जो डेली है, तो उसको फिनिश करने के बाद मैं नहाई, और नहाने के बाद पापा अरवी लेके आए थे तो वे मुझे खिलने का टाइम नहीं लगा, और सब्जी मैं बनाती रही तो वे आज थोड़ी उसमें से खराब हो गई थी। वे खराब तो मैंने डाल दिया कूड़े में, और जो सही थी उनको कट कर लिया, और कुछ अरवी कल लेके आए थे पापा, तो मैंने सारी की सारी एक साथ ही छील ली थी, तो उनको छीलने में टाइम लग गया, करीबन आधा घंटा लग गया था मुझे, और फिर हाथों में ईचिंग सी हो रही थी, खुजली सी। तो फिर उसके बाद मैंने अरवी करने के बाद फिर उनको काट करके रख लिया, और फिर मैंने अभी अरवी की सब्जी बना दी है, ये देखिए। और गाइस आप बहुत टाइम से बोल रहे थे कि छोटू भैया विक्रांत भैया आ नहीं रहे, क्या बात है। तो गाइस आज वे आ रहे हैं घर पे, अभी जैसे त्यौहार है इसीलिए उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए अब छुट्टी मिल गया तो वे आज आ रहे हैं। और अभी मम्मी ने बोला है कि बस विक्रांत भैया की रोटी बनानी है, तो उनके लिए भी मैंने आटा बना लिया है, और अभी चाचा जी आके बैठ गए हैं, और मैंने अभी भी आटा गूंद के रखा है, तो 5-10 मिनट बाद मैं बनाऊंगी। तो अभी मैंने चाचा जी को बोल दिया है कि 5-10 मिनट आप रुक जाओ, तो वे बोल रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ। और अभी ना मौसम भी खराब हो रहा है, गड़गड़ाहट सी आ रही है, बादलों की घोड़ते हैं ना जैसे, ऐसे हो रहा है, तो शायद आज बारिश भी हो जाए। कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, 2-3 दिन से डेली बारिश हो रही है सुबह के टाइम, लेकिन आज सुबह के टाइम नहीं, आज शायद दोपहर में हो जाए। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस, पता नहीं बारिश होती है डेली लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। और अभी व्यू नीचे है और रो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी जब मैंने उसको नीचे भेजा तब भी वो रो रहा था, तो मैंने उसको नीचे भेज दिया कि ये शांत हो जाएगा, अब थोड़ी देर खेल के अब फिर रोने लग गया। और आज पापा जी की भी छुट्टी है, पापा जी भी आज घर पर ही है, आज शनिवार है इसीलिए। तो अभी मैं बस खाना बनाऊंगी पहले, तो और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे का। बारिश आना स्टार्ट हो गई है, बारिश आ गई, बारिश, अंदर बैठ जाओ। चाचा जी तब तक नहीं उठेंगे जब तक तेज बारिश नहीं आएगी, तब तक यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं पता मौसम का, कोई कोई बादल बरस कर चला जा, कोई कोई ऐसे ही निकल जा। ये देखो ये काला काला बादल दिख रहा ना, इसमें से आ रही बारिश अभी। व्यू देखिए कौन आया, अरे ले ले ले, देख सो वैसे भी 1:30 बज गया, और मैं अपने लिए भी खाना लेके आ गई हूँ। अभी सबने खाना खा लिया, और विक्रांत भैया आया है, भाई छोटे भैया नहीं आए, वे बाद में आएंगे, तो अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, व्यू को भी खिलाती हूँ, व्यू आने वाला है बस। वो आ गया मम्मी को लेकर आ रहा साथ में, मम्मी को नहीं कह रहा यही बैठ जाओ। आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ। ओ कर दिया, जो गाने एक बार ले जाएगा मम्मी, और मम्मी रे वो ले रहा हां पत्थर ले रहा नहीं, अच्छा ठीक है नहीं तो बेटा देख अच्छा मैं दूंगी, देखो गाइस वहां से लाया नहीं। गाइस अभी हमारा जो आटा है ना वो खत्म होने वाला है, तो अभी पीसने की दिक्कत हो रही है, तो अभी 2 दिन में हम पीसना करेंगे। मेरे बोलते ही शुरू हो जा, इसे भी तो कहना पड़ेगा। अच्छा मार रहा था गंदा बच्चा। तो गाइस अभी शाम हो गई है, अभी बस खाना बनाऊंगी, आज बनाऊंगी
तो अभी मैं बनाऊंगी मूंग की दाल बनाऊंगी, भिगो के रखी हुई है। दोपहर में अरवी बनाई थी वो सारी खत्म हो गई क्योंकि दाल में अच्छा थोड़ा पानी गिर के मरना। गाइस अभी व्यू ने फोन गिरा दिया था, यहाँ गिर गया था, बता भी रहा कि यहाँ गिर गया था। तो अभी बस मैं खाना बनाऊंगी। गाइस आज पूरा दिन खाने में ही चलेगा। गाइस मम्मी इन कपड़ों में कैसी लग रही है बताना एक बार कमेंट करके, लड़की सी हो रही है ये देखो। इस हाथ की वजह से पहनने पड़ रहे, नहीं तो ये नहीं पहनने थी। मार क्यों रहा, दवाई है बेटा यहाँ दो। तो अभी शाम हो गई थी और मैंने ये मूंग की दाल पहले ही भिगो के रख ली थी, तो अभी मैं इसको जो है ना वॉश कर रही हूँ अच्छे से, इसके जो छिलके से है वो निकल जाए क्योंकि इसमें छिलके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको मैंने कितनी बार जाके वॉश किया तब जाके वे छिलके निकले, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह गए, पर कोई बात नहीं। अभी मैं इनको कुकर में डाल रही हूँ दाल को, और इसमें पानी चढ़ा के इसमें हल्दी और नमक डाल के इसको पहले मैं उबाल लूँगी और उसके बाद इसमें छौंक लगाऊंगी। और अभी शाम होने वाली है, आज मुझे खाना बनाने में लेट भी हो गया थोड़ा, क्योंकि जब घर पे कोई आ जाता है तो थोड़ा काम बढ़ जाता है और मन भी लगता है। ऐसा नहीं है जब घर में होते हैं सब तभी मन लगता है, तो काम तो बढ़ जाता है, कोई बात नहीं वो तो हो गया था। बस हाँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी सी हो रही है क्योंकि मम्मी मेरी ना काम में हेल्प करवाते रहते हैं, कभी कुछ भी काम हुआ, किचन का काम हुआ, बाहर का कुछ भी, तो सब में हेल्प कराती रहती है। तो बस वही आदत सी हो रही है, पर कोई बात नहीं, जब मम्मी ठीक हो जाएगी तब फिर से अपना वही रूटीन हो जाएगा, पर अभी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। और व्यू भी ऐसा ही है कि जब इसे जिद पकड़ लेता है ना किसी काम की कि ये मम्मी करेगी, तो फिर वो मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ शाम के लिए, और पीने का पानी हम एक तो सुबह भरते हैं एक शाम को भरते हैं, तो ये मुझे बाल्टी में थोड़ा ही कम लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अभी भर लेती हूँ। और अभी इधर मैंने गैस पे छौंक भी तैयार कर लिया है, उधर उसमें सीटी लग गई थी, तो अभी मैं गैस पे इसका जो छौंक है वो रेडी कर रही हूँ। और मैंने प्याज टमाटर पहले ही चॉप करके रखे हुए थे। सीन है व्यू का, इधर मेरी रोटी रह रही है, अभी दो तीन रोटी रह रही बस, ये करा लेके चलो वही जाके पिलाओ, मम्मी पे भी नहीं पी रहा। दूध पीने के लिए उतावला हो रहा, जाओ मम्मी के साथ जाओ, लो मम्मी मम्मी लेके जाओगी बेटा, जाओ हट जाओ पीछे। चलो मैं एक बार से वो कर लूं, चल लुका का मार। मम्मी का हाथ टूटा हुआ है तो मम्मी रोटी नहीं बना सकती। गाइस इधर विक्रांत भी बैठा हुआ है, पापा ये लेट रहे, पापा आराम नहीं हुआ क्या कमर में? गाइस पापा की कमर मैं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि पापा ने ना रोटी उठाई थी सुबह, प्रॉब्लम हो गई। देख लो, ओह माय गॉड यार पापा कितने कितने नाजुक हो आप यार, कितने नाजुक है यार पापा, बहुत ज़्यादा। पापा कैसे चलेगा ऐसा काम? चलो कोई बात नहीं, अभी ये आ गया रोटी ये लाया करेगा सुबह सुबह, अब तुम्हारा काम खत्म। और गाइस अभी व्यू को ले जा रहे हैं उधर ताकि ये दूध पी ले अपनी माँ के हाथों से पिएगा दूध। भाई ये तो बात है गाइस, मम्मी के बिना ना बहुत ज्यादा परेशान हो गई है श्वेता, बट मैं तो वो नहीं हूँ परेशान। यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बात है, मतलब तुम समझ लो यार, मतलब वो बात नहीं। ओए भाई यार, मतलब गाइस मेरे को मतलब मम्मी से कोई काम, मतलब यार मम्मी मेरा कोई काम नहीं करती थी ना, तो इसलिए मैं तो परेशान हूँ नहीं, तो घर का काम करती थी, तो श्वेता परेशान है इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प करा देती मम्मी। अब कोई हेल्प नहीं करा रही श्वेता की, सारा काम घर का श्वेता को करना पड़ रहा है, बहुत मेहनती हो गई है भाई पहले से। और थोड़ा सा इसे सपोर्ट करो यार, इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़वाओ थोड़े से यार, लाइक करो गाइस वीडियो को, शेयर करो। ये देखो भाई गाइस अब ये शुरू हो गया है, इसकी फिल्म अभी दिखेगी तुम्हें, ये दिखेगी दिखा ओए बैक वाली दिखा दी भाई, फ्रंट वाली भी दिखा, फ्रंट वाली दिखा,
दिखा दे इसको ही नहीं पता है, गिरा किधर। एक फ्रंट वाली आगे वाली दिखा यार, एक ऐसे नहीं काम चलता। नहीं आगे वाली दिखा दे बाबू, एक मेरी गैस चल रही बेटा। व्यू आगे वाली दिखा दो, एक नहीं दिखाने का आगे वाली। आगे वाली बैलेंस नहीं बन रहा आगे वाली का। बड़ा खतरनाक है। पीले दूध पियो जल्दी, लो आप ही पिलाइयो, मैं तो जा रही हूं। ये दूध रखा है इसका पकड़ो, आ जा भाई व्यू दूध पी ले। ऐसे नहीं बेटा, आगे को गिर के दिखाओ यार एक बार। क्या है पीछे, आगे को गिर के दिखाओ। ओए हाय यार, आगे की कला भी दिखा देगा दीवार, पीछे की कला तो देख ली हमने तेरी। आगे को जबरदस्ती फेंक दिया मम्मी ने। चार्जर मत हटा दियो, चार्जर न हटा भाई, नहीं चार्जर मत हटा ना, फोन डाउन हो रहा ना, अच्छी बात नहीं है ये। नो आप गलत काम करो यार बाबू, चलाना तो आवे आप पे, चार्जिंग मत हटाओ। नहीं नो लाओ, मुझे दे दो, लाओ थैंक यू, अब खेल लो, चलो कलावादी दिखाओ। ओ भाई तू यू एक काम कर भाई, बीच में आ जा तू तो गड़बड़ कर देता, गिर जाएगा बेटा। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो गाइस अभी रात के 10 बज गए हैं और अभी मैंने ना प्रेस किया है, ये देखो। कल मैं प्रेस कर रही थी लेकिन लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, तो कुछ कपड़े बच गए थे तो मैंने अब उन पे प्रेस कर लिए, क्योंकि कल फिर से कपड़े धुलेंगे तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि अभी करके रख लेती हूँ, कुछ काम थोड़ा कम होगा। और अभी व्यू मम्मी के पास है, मम्मी के पास वो जाके सो गया, मैं प्रेस कर रही थी ना तो मुझे वो परेशान कर रहा था, बार बार प्रेस को हाथ लगा रहा था, कभी उसको लग जाए, इसलिए मैं मम्मी को दे के आ गई थी, तो शायद वो सो गया होगा। और इधर ये अभी लगे हुए एडिटिंग करने, और अभी बस मैं भी अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, वीडियो अपलोड करके फिर मैं सो जाऊंगी। और अभी मेरा ये भी मेरा फेवरेट सीरियल है अनुपमा, इसको भी देख रही हूँ मैं। तो गाइज इसी के साथ आज के व्लॉग मैं अपना ये एंड करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।